गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि पता है कि हमने आज तक 1.1 से लेके 1.3 का फर्स्ट और सेकंड सम कर लिया था बेटा। तो इसमें हम लोग इसका थर्ड सम आज करेंगे। राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये जो आज को आपको ये सम करवा रही हूँ, आपने नोटबुक में भी करनी है ये वाले सम, ये नोटबुक के अंदर करवा रही हूँ बेटा। तो क्या लिखा हुआ है इन्होंने, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जैसे आप एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं बच्चा, कि ये वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड वाली डिजिट होती है। तो सेवन सिंगल डिजिट आएगी, सिक्स आ जाती है, तो सिक्स लिख के सिक्स के बाद कितनी डिजिट है, ये वन डिजिट लिखी हुई है वंस के नीचे, तो 10 आ जाएगी। अब फोर राइट करेंगे, फोर के बाद कितनी डिजिट है, ये टेंस और वंस वाली दो है ना, तो 20 मेंशन हो जाएंगी यहाँ पे। थाउजेंड वाली फाइव लिख के, तो कितनी डिजिट है इसके बाद, वन टू एंड थ्री, तो ये थ्री क्या आ जाएंगी, इसमें 0 मेंशन हो जाएंगी। फेस वैल्यू क्या होता है बेटा, जो डिजिट होती है ना वही जो है उसको फेस वैल्यू बोला जाता है। जैसे ये सेवन है, तो ये सेवन फेस वैल्यू है इसकी। यहाँ सिक्स हंड्रेड में टेंथ में है, हंड्रेड में इसकी फोर है फेस वैल्यू, और थाउजेंड में इसकी फाइव है। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका एट, इसका आ जाएगा 70, इसका 600, इसका 9000, और इसकी फेस वैल्यू आ जाएगी 8, 7, 6 और 9। ऐसे ही आपने अगले नेक्स्ट सम ये दोनों करने हैं, ठीक है बेटा। और ये लुक एट द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एंड राइट द नंबर है, ये बुक में करना है ये वाला सम आपने। 4 × 1000, तो 4000 में थाउजेंड वाली डिजिट के नीचे क्या आ जाएगा, 4, ठीक है बेटा। तो उसके बाद 3, 10, तो 10 वाली डिजिट के नीचे 3 आएगा और 2 आ जाएगा यहाँ पे। 5000, थाउजेंड के नीचे 5, 300, हंड्रेड के नीचे 3, और 5 जो है वंस वाली डिजिट है, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 0 मेंशन हो जाएगा। 2000 हो गया, 2 को मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे 2 आया, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 20 वाले में भी 2 आ जाएगा, और 2 × 1 = 2, यानी कि 2222। ये थर्ड सम आपने नोटबुक के अंदर करना है बेटा, और फोर्थ सम जो है आपने बुक के अंदर करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।